नेहरू मिथक और सत्य के लेखक पीयूष बबेले लिखते हैं, सुनो मूर्खों, सतना शहर में नेहरू जी की विशाल मूर्ति उनके चिर परिचित शांत मुद्रा में खड़ी हुई थी, पीछे की ओर हाथ बांधे हुए और आगे की ओर देखते हुए। फिर कुछ लफंगों का गिरोह मूर्ति पर चढ़ दौड़ा। वे बंदरों की तरह मूर्ति के ऊपर चढ़ गए। उनके हाथ में लंबे लंबे डंडे थे। वे मूर्ति पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाने लगे। उनके हाथों में भगवा झंडे थे और दिल में न जाने किस बात की घृणा। ऊपर खड़े लोग नेहरू जी के चेहरे पर निशाना बांधकर लाठियां भाज रहे थे। अरे मूर्खों, तुम तो पत्थर की मूर्ति पर लाठियां चला रहे हो और हाथ में भगवा झंडा लिए हो, लेकिन नेहरू का लाठियों से रिश्ता पुराना है। साइमन कमीशन के समय जब नेहरू हाथ में तिरंगा लिए सड़क के बीचों बीच चले जा रहे थे, तो घुड़सवार सिपाहियों ने आकर उनके ऊपर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई थी। नेहरू लाठी का वार सहते रहे, लेकिन तिरंगे को झुकने नहीं दिया। जब नेहरू जेल में थे, तब सविनय अवज्ञा आंदोलन में उनकी माता स्वरूप रानी देवी व्हीलचेयर पर बैठकर एक जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। वहां भी पुलिस आई, लाठियां बाजी गई। स्वरूप रानी का सिर लहूलुहान हो गया, वे बेहोश होकर धरती पर गिर गईं। नेहरू के पिता, नेहरू की बेटी, नेहरू का दामाद, नेहरू की बहन, नेहरू का बहनोई, नेहरू के चचेरे भाई, नेहरू की पत्नी तिरंगे की शान में ना जाने कितनी बार जेल गए। नेहरू तो करीब 10 साल तक जेल में रहे। जिस नेहरू को दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के घुड़सवार सिपाही लाठियों से नहीं डरा सके, आज तुम उसके पत्थर के बुत पर डंडे चलाकर उसे गिराना चाहते हो, उसे झुकाना चाहते हो, उसे मिटाना चाहते हो। भूल जाओ यह सपना। तुम आज जिस झंडे को लेकर यह गुंडई कर रहे हो, तुम्हारे पुरखे भी अंग्रेजों के राज में वह झंडा लेकर निकलते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी अंग्रेजों को कभी एक कंकड़ मार दें। उन्होंने आज़ादी के आंदोलन से गद्दारी की, अंग्रेजों से वफादारी की, अंग्रेजों की तारीफ में कसीदे पढ़े, अंग्रेजों से पेंशन ली, वजीफे लिए, और भूल चूक कभी कोई काम हो गया हो तो उसके लिए लिख लिख कर माफियां मांगी। उन्होंने आज़ादी के आंदोलन से गद्दारी की, अंग्रेजों से वफादारी की। एकदम असभ्य, बर्बर और अंधे युग का दृश्य। लौंडों को अपनी लाठियों पर बड़ा गर्व है और उन्हें लगता है कि राष्ट्र निर्माता की मूर्ति पर लठ चलाकर वे अपनी जवानी सार्थक कर रहे हैं। हे माफी वीरों की नपुंसक संतानों, कभी तो कोई मर्दानगी का काम करो, कभी तो किसी प्यासे को पानी पिलाओ, कभी तो किसी बेटी की लाज बचाओ, कभी तो किसी बूढ़े का हाथ पकड़कर रास्ता पार कराओ, कभी तो कोई नई खोज करो, कभी तो कोई नई बात कहो कि दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हो जाए। तुम्हारी यह हुल्लड़बाजी पूरी दुनिया के निगाह में भारत माता की निगाहें झुका देती है। उसे तुम जैसे पुत्रों पर लज्जा आती है और तुम खुद कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम उन पर कीचड़ मत उछालो जिन्होंने इस देश के लिए खुद को न्योछार कर दिया। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो।